बोलिए शंभू नारायण भगवान की जय। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम धनु और मकर राशि वाले जातकों की चर्चा करेंगे। धनु और मकर राशि वाले जातकों का समय 6 और 7 जुलाई का कैसा कटेगा, कैसा गुजरेगा, आइए आज की इस वीडियो में हम जानें। लेकिन दोस्तों इसे जानने के तत्पश्चात आप हमारे वेबसाइट misra4u.com को एक बार जरूर विजिट करें। इतना ही नहीं दोस्तों, ये समय ये माह जो है रुद्राभिषेक करवाने का है, करने का है, अतः सावधान। जिन जिन लोगों को रुद्राभिषेक करवाने की जरूरत है, करवाना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं जन्म कुंडली और हस्त रेखा के अनुसार, तो भी आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर ही संपर्क करें। आपकी हर समस्या को सुनी जाएगी, समस्या का निदान निकालेंगे और विकल्प आपको देंगे। धन्यवाद दोस्तों। आइए अब हम धनु और मकर राशि वाले जातकों की राशिफल की चर्चा करें कि 6 और 7 जुलाई का समय उनका कैसा गुजरेगा। आइए सबसे पहले हम धनु राशि वालों की चर्चा करें। दोस्तों धनु राशि वाले जातकों का समय जो है, ऐसा देखा जाता है कि पहले भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित अष्टमेश चंद्रमा के प्रभाव से जातकों को आयु में वृद्धि होगी तथा पुरातत्व का भी पूरा लाभ प्राप्त होगा। इनका शरीर सुंदर होगा और शरीर से ये काफ़ी स्वस्थ भी होंगे, निरोग होंगे, ऐसा इनमें योग बन रहा है, भाव बन रहा है। साथ ही सातवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से इन्हें कुछ कठिनाइयों के बाद स्त्री का सुख मिलेगा। दोस्तों अपनी धर्म पत्नी के साथ इन्हें कुछ जो है सो परेशानियों के साथ कुछ सुख प्राप्त होने की संभावना है। सुख प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगी, किंतु उनके साथ समस्या को जूझते हुए, टेंशन को लेते हुए। साथ ही दैनिक आमदनी में भी इनके कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दैनिक आय जो होगा, दैनिक आय का जो स्रोत होगा, उनमें भी इन्हें बाधाएं आएगी। उन बाधाओं से इन्हें जूझने की जरूरत है, उस समस्याओं से संघर्ष करने की जरूरत होगी और संघर्ष के पश्चात ये लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसा योग बन रहा है। कहने का मतलब धनु राशि वाले जातकों का ये 6 और 7 जुलाई का समय जो है मिला जुला कर ही अच्छा चलने वाला है। दोस्तों आइए अब हम इसे एक एक कर बारी बारी से संक्षेप में इसके बारे में चर्चा कर लें। बात करूं मस्तिष्क और बुद्धि की, तो दोस्तों इन दिनों धनु राशि वाले जातकों के लिए मस्तिष्क और बुद्धि की स्थिति जो है बिल्कुल अच्छी रहेगी और अपने इस मस्तिष्क और बुद्धि विवेक का सहारे ये जातक जो है अपने हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रहे हैं। धन और संपत्ति का क्षेत्र भी इनका अच्छा ही रहेगा, क्योंकि संघर्ष से ही सही, किंतु संघर्ष के पश्चात कठिनाइयों का सामना करते हुए ये लाभ को प्राप्त करते हैं, ये समस्या के हैं अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं, अपना लक्ष्य को छू लेते हैं, अतः सफलता भी इन्हें हर क्षेत्र में मिलती है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इन्हें जरा संघर्ष करने की जरूरत हो जाती है, कठिनाइयों का सामना करने की जरूरत हो जाती है। जिस काम को हम एक घंटा में करेंगे उसे ये जातक को 2 घंटा लग सकते हैं, 3 घंटा लग सकते हैं, लेकिन कार्य में सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट इन्हें भी मिलता है, अतः धन और संपत्ति की स्थिति भी इनकी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, भाई बहन के बीच का प्रेम संबंध इनका अच्छा नहीं रहने वाला है, भाई बहन के बीच इन्हें मतभेद बना रहेगा, माता का प्यार मिलेगा, भूमि और भवन से भी इन्हें काफ़ी प्रोन्नति होगी, प्रगति होगी, संतान का पूरा सुख मिलेगा। दोस्तों विद्या में ये सफलता हासिल करेंगे,
बात करूं रोग और शत्रु की, तो दोस्तों इन दोनों रोग और शत्रु से ये मुक्त रहेंगे, दूर रहेंगे। रोग और शत्रु का इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। प्रेम और विवाह का संबंध इन दिनों इनका बेहद अच्छा रहेगा। बात करूं ऋण और संकट की, तो दोस्तों ये समय जो है इनके लिए ऋण और संकट के क्षेत्र में बिल्कुल कुशाग्र है, अच्छा है। हाँ, धर्म और भाग्य की बात कहूं दोस्तों, धर्म का इन जातकों के लिए धर्म का क्षेत्र अच्छा नहीं है, क्योंकि धर्म के प्रति इनकी बिल्कुल इन दिनों रुचि नहीं देखी जाती, अभिरुचि नहीं देखी जाती है। अतः ये धर्म से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं, धर्म में ये विश्वास नहीं कर पाते। पिता व्यवसाय और नौकरी की बात करूं दोस्तों, इन दिनों पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा प्यार मिलेगा। व्यवसाय का क्षेत्र भी इनका काफ़ी उन्नत रहेगा, प्रगतिशील रहेगा। नौकरी की स्थिति भी इनकी अच्छी रहेगी। बात करूं आय और लाभ की, तो दोस्तों मिला जुला कर आय और लाभ का स्थिति इनका अच्छा रहेगा, क्योंकि धन अर्जन तो होगा किंतु खर्च कम होने की संभावना है, अतः धन संग्रह इनके द्वारा अच्छा से होगा। दोस्तों आइए धनु के बाद अब हम मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि वाले जातकों का ये समय कैसा रहने वाला है? दोस्तों 12वें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त होगा। स्त्री सुख में कमी आएगी तथा दैनिक व्यवसाय में भी कठिनाई आएगी। इसी से मन में चिंता तथा तनाव बना रहेगा, जिससे इनका मन हमेशा अशांत रहेगा, खुशहाल नहीं रहेगा। दोस्तों सातवीं मित्र दृष्टि से कष्टम भाव को देखने से शत्रु पक्ष एवं झगड़े के मामलों में जातकों को विनम्रता से जो है काम निकालवाना होगा, अपना प्रभाव सामने वाला पर स्थापित करना होगा। अगर ये विनम्र और कुशाग्र होकर बुद्धि विवेकी होकर काम नहीं करते हैं तो फिर बना बनाया काम भी इनका बिगड़ने की संभावना है, बिगड़ सकती है। आइए दोस्तों इसे भी हम संक्षेप में एक एक कर बारी बारी से चर्चा कर लें कि इनका समय क्या कहता है। दोस्तों बात करूं मस्तिष्क और बुद्धि की, तो इन दिनों मकर राशि वाले जातकों का मस्तिष्क और बुद्धि की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, अच्छी है। धन और संपत्ति भी इनके द्वारा इनके हाथों खूब अर्जन होगा, धन अर्जन होगा किंतु कठिनाई से। धन क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में इन्हें काफ़ी बाधाएं आने वाली है, काफ़ी बाधाएं आएगी, किंतु उस बाधाओं को जूझते हुए, समस्या से निपटते हुए ये आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे हैं ये। भाई बहन के बीच का संबंध इनका अच्छा रहेगा, माता का प्यार मिलेगा, भूमि और भवन से भी ये काफ़ी प्रगति करेंगे, संतान का सुख मिलेगा, विद्या में सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों रोग और शत्रु की बात करूं तो इन दिनों रोग और शत्रु के क्षेत्र में इनका स्थिति थोड़ा बहुत अपनी चिंता के कारण मन अशांत रहेगा, मन कुछ अस्वस्थ सा प्रतीत होगा, दिखेगा। हकीकत में ये बीमार नहीं रहेंगे, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, किंतु मन स्वरूप इनका कुछ अशांत सा दिखेगा। प्रेम और विवाह का संबंध दोस्तों, प्रेम और विवाह का संबंध इन दिनों इनका बेहद अच्छा रहेगा, ऋण और संकट से मुक्त रहेंगे। धर्म और भाग्य की बात करूं दोस्तों, इन दिनों धर्म का पक्ष इनके ओर है, धर्म में ये जोर शोर से भाग लेंगे, जिससे इनका भाग्य भी बनेगा, भाग्य के द्वार खुलेंगे। आय और लाभ की बात करूं तो दोस्तों, चूंकि इन दिनों काफ़ी संघर्ष के द्वारा इन्हें आय होगी, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए आय तो प्राप्त होगी, किंतु खर्च भी सामान्य से कम ही होगा। दोस्तों नतीजा यह होगा कि ये धन संग्रह करने में भी सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर कर दें।
आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कमेंट में लिखें जय शंभु नारायण, बम भोले कैलाशपति, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम शंकर, बम भोले।